एक्टर शाहरुख खान की अगली फिल्म कौन सी होगी? ये सवाल हर किसी के मन में है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लॉप फिल्मों की मार झेल रहे शाहरुख ने फिल्म जीरो के बाद कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। ऐसे में किंग शाहरुख खान के फैंस ये जानने के लिए बेताब हैं कि उनकी अगली फिल्म कौन सी होगी। शाहरुख की अपकमिंग फिल्मों को लेकर जहाँ सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की कयास लगाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है और ये फिल्म है डायरेक्टर अयान मुखर्जी की मच अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र। बॉलीवुड डायरेक्टर अयान मुखर्जी का प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र शुरू से ही चर्चा में है। इस फिल्म में रणवीर कपूर और आलिया भट्ट ने पहली बार साथ काम किया है। इतना ही नहीं, इन तीन पार्ट्स में बनने जा रही इस मेगा मूवी में महानायक अमिताभ बच्चन भी अहम रोल में है। अगर ये भी फिल्म के बारे में आपको एक्साइट करने के लिए काफी नहीं है तो अब आपके लिए एक ताजा और नई खबर है। सुपरस्टार शाहरुख खान भी इस फिल्म में अब काम करते नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार शाहरुख खान ने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख ने हाल ही में फिल्म का एक सीन फिल्म सिटी के एक स्टूडियो में शूट किया। सोर्सेज के अनुसार फिल्म में शाहरुख खान का रोल VFX पर बेस्ड होगा। ग्रीन स्क्रीन के सामने शूटिंग करने में अधिकतर कलाकारों को जहां दिक्कत होती है, वहीं शाहरुख खान इससे काफी फेमिलियर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो रावण, फैन और जीरो में इस तरीके का काम पहले भी कर चुके हैं। बता दें, बर्थडे के बाद उन्होंने क्रू के साथ मिलकर 3 दिन के अपने शूट को अंजाम दिया है। कुछ दिनों की शूटिंग और बची हुई है जिसे शाहरुख खान आने वाले दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। फिल्म में शाहरुख खान का रोल क्या होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इतना बताया गया है कि वो एक छोटा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। शाहरुख का रोल रणबीर कपूर के रोल शिवा से जुड़ा हुआ होगा, जो कि अपने हाथों से आग छोड़ता है, यानी कि शाहरुख के पास भी फिल्म में सुपर नेचुरल पावर्स होंगी। मल्टी स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र इसी साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म में VFX बेस्ड काम इतना ज्यादा है कि मेकर्स को इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ानी पड़ी। अब ये फिल्म अगले साल समर में, यानी कि समर 2020 में रिलीज की जाएगी। अयान मुखर्जी ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में कहा था कि ये फिल्म वो सपना है जो उन्होंने साल 2011 में देखा था, और अब इस फिल्म का हिस्सा शाहरुख भी हैं, जिस वजह से ये फिल्म और भी खास हो गई है। वहीं शाहरुख को लेकर खबरें ये भी आई थी कि वो साउथ की एक फिल्म के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे, लेकिन ऐसा होता अभी नजर नहीं आ रहा है। HS News के लिए प्रीति राजपूत की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।